अपने विद्यालय में पिछले साल भी टैलेंट हंट वन का आयोजन हुआ था, जिसमें कि 200 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया था। पिछले बार स्टैंडर्ड 3 से लेकर स्टैंडर्ड 9 के बच्चे एग्जाम्स में अपेयर हुए थे। इस बार स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 9 के बच्चे भाग लेंगे। इस तरह का आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे पाठ्यक्रम के सिलेबस के अलावा इस एग्जाम की तैयारी करने के दरमियान वो जीके के टच में आते हैं, सामान्य ज्ञान, थोड़ी बहुत जनरल साइंस, जनरल स्टडी, जिससे बच्चों में सीखते हैं, बच्चों का विकास होता है और वो आने वाले भविष्य में प्रतियोगिता के लिए वो तैयार होते हैं। क्योंकि पढ़ाई केवल किताबी जो सिलेबस पाठ्यक्रम है उसी से बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं होता है। इस तरह के एग्जाम्स में बैठने से सबसे पहले तो बच्चों में एग्जाम देने का जो टेम्परामेंट होता है उसका विकास होता है। बच्चे उमार सीट जो है वो भरना सीखते हैं, क्योंकि आगे जो भी वो एग्जाम्स देंगे वो ओमार पर ही देंगे, तो उनकी ट्रेनिंग अभी 1-2 से लेकर के ही जो भी बच्चे भाग ले रहे हैं वो सीख रहे हैं, जिससे आगे उनको इसका बहुत फायदा मिलेगा और बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चों का डेवलपमेंट होता है, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। इस एग्जाम में GS न्यूज क्या करती है कि एक कट ऑफ मार्क, चूँकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो ऐसा होता नहीं है, उस कट ऑफ पर जो भी बच्चे आते हैं सबों को गोल्ड, उसके बाद का जो मार्क्स होता है उसमें सिल्वर, प्राय सभी बच्चों को ट्रॉफी सर्टिफिकेट तो सब बच्चों को मिलता है, तो बच्चों में भी एक उत्साह का माहौल होता है। बच्चे भी चाहते हैं कि हम मेरे एग्जाम अच्छे से जाएं, पढ़ लिख करके तैयार हों, और इससे मूलतः उसी का डेवलपमेंट होता है। मैं इस तरह के एग्जाम आयोजन करने के लिए GS न्यूज़ के एडिटर वरुण बावल जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस तरह से कंपटीशन से क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर, या उसमें किस तरह का वेट्स आता है? एक्चुअली दिस काइंड ऑफ टैलेंट हंट प्रोग्राम्स दे रियली लीड टू मेक स्टूडेंट फ्यूचर रेडी। इन फ्यूचर डेफिनेटली स्टूडेंट्स हैव टू बी इन मेनी कॉम्पिटिशन्स एंड हेयर द जर्नी स्टार्ट विद दिस। स्टूडेंट्स लर्न मेनी थिंग्स, बट to evaluate many things and assess many things, these kind of talent hunt programs. I highly appreciate Varun Babulji for initiating this in our school, where students will get many things to learn. In this, students will get to know many things beyond the books. That is really important. Sometimes they are bounded in the syllabus and curriculum, but this is the new way what they have grabbed continuously. This is the assessment of all. That's a great initiative. Thank you.